किसी ने उम्मीद नहीं की होगी आपको देखेंगे वहां से सुबह सुबह घाट पर आकर। नहीं पर वैसे मोदी जी, यहाँ पे हम बचपन से आ रहे हैं, इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू, इतना कूड़ा, उसको अब लगता है साफ। जो गंगा आरती हम लोग देख रहे थे, भव्य साफ लगता है कि भारत की सिविलाइजेशन का एकदम ये गढ़। देखिए देश के राजनेता सच बोलने से कतराते हैं, मीठा मीठा बोल करके चुनाव निकाल देते हैं। चुनाव जीतने के बाद मैं धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था और गंगा घाट आरती के ऊपर मैंने एक भाषण किया था और हैरान हो जाएंगे, उस दिन भाषण में मैंने कहा था मैं क्या करूंगा भूल जाओ, आपको ये करना है, सफाई करनी है, मुझे वादा करो, कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। फिर मैं खुद आया, 80 घाट की सफाई की और वो एक आंदोलन बन गया जी। आप हैरान हो गए, नागालैंड की एक बच्ची, नाम तो मैं भूल गया, ईसाई बच्ची, वो यहाँ पर बनारस आई फिर यहीं रह गई। उसने एक बड़ा नौजवानों की टोली बनाई और यानी हर सुबह उस पर सफाई करती थी और BHU के लड़के सफाई करते थे। अभी मैं BHU के कुछ लड़कों को मिला, वे मिडिल क्लास फैमिली के थे, वैसे यूनिवर्सिटी में मार धार लड़ाई इसी में मजा आता है। इन बच्चों ने एक टोली बनाई और ये जो कूड़ा कचरा उठाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास चले गए और देखा उनमें ड्रग एडिक्ट हो गए थे। साहब 1000 बच्चों को इन्होंने मुख्य धारा में लाया, पढ़ाई करा रहे हैं। मैं उन बच्चों को मिला, उन सारे बच्चों को भी मिला जो कॉलेज के बच्चे कर रहे थे। देखिए देश में बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेरा ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर रहता है। खुशी का मतलब क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खुशी का मतलब क्या है? अगर आपके चेहरे पर खुशी देखूं तो मेरे मन को खुशी होती है, खास करके किसी गरीब के चेहरे पर खुशी देखूं मुझे। मोदी जी एक बात होती है हमेशा और मैं दो टुकड़ों में ये पूछना चाहती हूँ आपसे, गुजराती जो होता है उसको पैसे का बड़ा ध्यान होता है। एक लोग बहुत सारे मुझसे पूछते हैं मोदी जी अपनी सैलरी का क्या करते हैं, एक मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, दूसरा आपकी माँ आपको बड़े प्यार से पैसे पकड़ाती हैं, आप उन पैसों का क्या करते हैं? एक तो मेरी माँ ने मुझे जो हमेशा क्या देती है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक बार 11 रुपया दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा तो नारियल और मिश्री मिली थी, ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन एक बार उसने मुझे 5000 रुपया दिया। अच्छा 5000 रुपया, तो मैं सरप्राइज था जी। और क्या था, तो जिस दिन चीन के राष्ट्रपति आए थे वो उन्होंने मेरे जन्मदिन की तारीख तय की थी खुद ने, मेरा भी ध्यान नहीं था, और उस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति आए थे, तो सुबह मैं जन्मदिन था तो माँ को मिलने गया, तो उसने मुझे 5000 रुपये दिए। मैंने कहा माँ क्या बात है आज, तो बोले ये कश्मीर, उस दिन उस समय कश्मीर में बाढ़ आई थी। अच्छा, तो माँ ने कहा कि उनको दे देना। तो मैं इन पैसों को कहीं ध्यान तो नहीं रहता लेकिन दे देता हूँ, फिर बता देता हूँ कुछ कर लेना। आप हैरान होंगे मेरे जेब में कभी पैसा नहीं होता, मैं कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो हर एक बार मैं कहीं गया तो कोई कार्यकर्ता रिश्यू करने आएगा, मुझे मेरे पास पैसे नहीं थे, जो रिश्यू करने वाला आना था वो बेचारा पहुँचा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, जहाँ जाना था उसका पता नहीं था, ऑटो रिक्शा को पैसे दूँ क्या करूँ, मैं खड़ा रहा बड़ी देर तक। जब वो आया तो बाद में उसको लगा कि अब तो मैं चला गया हूँ, तो मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा, 2-3 घंटे के बाद मेल बैठा, तब जाकर मैं पहुँचा, पैसे वैसे रखता नहीं मैं। प्रधानमंत्री जी आपने अरुण पुरी जी का जिक्र किया था, उनके दो पेट सवाल हैं, वो हमेशा जब भी न्यूज़ मीटिंग होती है वो ज़रूर इस पर चर्चा करते हैं कि आप जब इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए थे 2013 में, आपने जिक्र किया था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस ऑफ बींग इन गवर्नमेंट, 5 साल बाद इन दो दिशाओं में आप कितना बढ़ पाए और अगर नहीं बढ़ पाए ठीक से? हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, इन चीज़ों की आप रिसर्च नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स यही नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इसी को आप मिनिमम गवर्नमेंट, जी नहीं, प्रोसेस। जैसे मेरे यहां पहले कैबिनेट नोट शुरू होकर के कैबिनेट तक पहुंचने में 6 महीने लगते थे, आज 15 दिन लगते हैं। अब ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, लोग वही, परिणाम ज्यादा।
उसी प्रकार से पहले विदेश जाना पड़ता था एक एमओयू के लिए, चार बार ज्वाइंट सेक्रेटरी विदेश जाता था, मैंने कहा नथिंग टू डू, वीडियो कॉन्फ्रेंस करो, फाइनल जब करेंगे तब जाएंगे आप। तो अब मेरे यहाँ 1/4 हो गया है, 1/4 वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम हो रहा है। ऐसे तो इतनी चीज़ें आप देखोगे। अब जैसे मैं एक प्रगति कार्यक्रम करता हूँ, 40-40 साल पुराने सरकार के शिलान्यास हो चुके कार्यक्रम कागज पे पड़े थे, फाइलें खो गई थी, मैंने ढूंढ के निकाला, मैंने कहा बताओ क्यों नहीं हुआ। मैं सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव, उनकी एक प्रगति में मीटिंग करता हूँ। वो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है, शायद एक बार इंडिया टुडे ने इसका बड़ा डिटेल में वर्णन लिखा था। और उसमें मैंने अब तक 12 लाख करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट्स जो 30-40 साल से वो सारे क्लियर करवाए, और एक घंटे में। अब ये मिनिमम गवर्नमेंट हुआ। जहाँ तक गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू डू बिजनेस, मैं स्पष्ट मत कहूँ ये सरकार का काम नहीं है होटल चलाना। धीरे 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 आपने देखा होगा हम डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं सर? कुछ बड़ा डिस इन्वेस्टमेंट, होटल एयर इंडिया, वो ज्यादा LIC ही खरीद ले। एयर इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट का निर्णय हमने किया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि खरीदार नहीं आएगा तो मैं आप इंडिया टुडे के दे दूंगा, ऐसे थोड़ा होता है। बहुत लाइबिलिटी है, खरीदार मुश्किल से ही मिलेगा आपको एयर इंडिया का। अच्छा, देखिए घाट की तरफ जा रहे हैं, आपको कभी मिस करते हैं आपकी अकेले घूम सके ऐसे चाय की दुकान पर रुक जाए? और गुजरात को भी, मुझे हमेशा लगता है गुजरात को आप मिस करते हैं ना, क्योंकि एक गुजराती को हमेशा के लिए गुजरात से बाहर कर देना अन्याय है। आपको मैं बताता हूँ ये, यानी इसको कोई तारीफ के रूप में मत देखिए, हर एक अपना एक नेचर होता है। मैं जब घर छोड़ करके चला गया, शायद 32 साल तक कभी लौटा नहीं था। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं घर गया था, उनके अंत्येष्टि में, तो मैं बहुत डिटैच रहता हूँ। मैं गुजरात में 95 का चुनाव था, 2/3 दो तिहाई बहुमत मिला था, और इस पर उस जमाने में तो एक राज्य का कार्यकर्ता उसकी कितनी बड़ी वो हवा होती है। मेरी पार्टी ने तय किया कि मुझे अब कहीं और जाना है, तो मेरा हेडक्वार्टर चंडीगढ़ बन गया। तो मैं ऐसे ही अपना झोला लेकर के चला गया, किसी को मालूम भी नहीं था। चंडीगढ़ जाकर के मैंने अपने कार्यकर्ता को फ़ोन किया कि मैं आ गया रेलवे स्टेशन से, तो बोले आप आ गए, अब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा भाई कोई मुझे बताइए कहाँ जाना है। तो मैं एक गैराज में रहता था चंडीगढ़ में, एक गैराज के अंदर मैं रहता था, और मैं वहीं फिर मैं दिल्ली बाद में आया। मैं 5 साल रहा, मैंने कभी गुजरात टेलीफोन भी नहीं करता था, मिस ही नहीं करता। मैं मिस करना ना करना वो शब्द के दो अलग अर्थ हो जाए, अटैचमेंट नहीं रखते। मैं खुद जहाँ हूँ वहाँ डूब जाता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ, बस आपके साथ, अभी मैं कहीं नहीं होता। ये बताइए ना, आप कभी मिस करते हैं? आपको ये पसंद है सड़क के किनारे? मुझे प्रकृति बहुत पसंद है। मेरा जीवन जो बना है वो पहाड़ों में बना है, नदियों के बीच बना है, और मैं आज भी उस जिंदगी को जीना पसंद करता हूँ, लेकिन संभव नहीं रहा है। और मेरे पास त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो यही है मेरी अपनी इच्छाएं, उसी को मैं त्याग कर दिया। घर पर भी खुद से चाय बना पाते हैं अपने? अभी भी मैं खाना पका सकता हूँ जी। अच्छा, पूरा? हाँ। आपकी फेवरेट क्या है? क्या बढ़िया बढ़िया क्या बनाते हैं? बढ़िया बढ़िया, जैसे ऐसा है, देखिए मैं जिंदगी ऐसे, मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ, अब किसी के गले नहीं उतरेगा ये, लोगों के घर में, इसलिए खाने का कोई बचा जो। अच्छा, मैं कभी बता करके नहीं जाता था, जाता था, पड़ा है तो खाता था वरना चलाता था, ऐसे जिया हूँ। लेकिन कभी दफ्तर आ जाता था और रात देर से आया तो खिचड़ी बड़ा सरल होता था, खिचड़ी बना देता था। दूसरा, जब मैं हिमालयन की मेरी लाइफ पूरा करके वापस आया तो मेरे पास काम क्या था, अहमदाबाद कांकरिया मणिनगर में डॉक्टर हेडगेवार भवन है, उसका कचरा पोता ये मेरा काम था, सफाई करता था मैं। वो जो तस्वीरें दिखती हैं हमें कभी कभी, वो गलत है, वो तो गलत है, वो किसी ने ऐसे ही फालतू बना दिया। लेकिन मेरा काम यही था, 4:30-5 बजे उठना, पूरा दफ्तर में झाड़ू लगाना, पोता करना, फिर सबके लिए चाय बनाना, और 5:20 को सबको उठाना। फिर हमारे यहाँ एक RSS में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था,
उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था। तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको सबको मैं खिलाता था और फिर कोई 10 बजे स्नान करता था, फिर मैं डाक पढ़ता था, अखबार पढ़ता था और फिर किसी के घर खाना खाने के लिए चला जाता था। तो ये मेरी जिंदगी रही थी, ये ऐसी जिंदगी मैंने कोई 2-2.5 साल बिताई थी। ये तो संघर्ष और कठिनाइयों की आपने बात की, मैं ना ये संघर्ष है ना कठिनाइयां है, ये जिंदगी की मेरी शिक्षा है, मेरे लिए एजुकेशन है। लेकिन कभी कोई खुशी जैसे मिले तो सबसे पहले किसको बताने का मन करता है? कौन है वो जो आपके मस्तिष्क के, दिमाग के, दिल के करीब? आपका बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ कौन? BFF। जब मैं संघ का काम करता था तब एक लक्ष्मण राव जी नामदार करके थे, वकील साहब हम कहते थे, जिनके जीवन पर मैंने किताब लिखी है सेतुबन। तो मेरा मन करता था कभी कि मैं उनको कहूँगा कि ऐसा हुआ, लेकिन मेरे जीवन का एक नियम है जो शायद आपके दर्शकों को भी काम आ सके। जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसको पता नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन में उसका वो स्थान है। आपके मन में अच्छा विचार आया तो भी बता दो, बुरा विचार आया तो भी बता दो, अच्छा हुआ तो भी बता दो, कुछ भी मत छुपाओ। एक व्यक्ति जीवन में होना चाहिए। अभी भी है क्या आपके? है, मैं नाम नहीं बता। अभी भी है। उनको पता चल जाएगा। नाम नहीं बताओ क्योंकि उसको, क्योंकि मैं बता दूं उससे क्या होता है, फिर वो कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो अपनी की बातों को, अभी तो वो क्या, मैं बताता हूँ तो कोई बताने के लिए नहीं जाता हूँ, बातों में ऐसे कह देता हूँ ऐसा हुआ। अब गेसिंग गेम बड़ी जबरदस्त देश भर में शुरू हो जाएगी कि कौन है। तो हर एक के जीवन में होना चाहिए मैं कहूँगा। और आप देखिए, वो व्यक्ति जरूर नहीं कि बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई जरूर नहीं है, कभी आपको ऐसी चीज बता देगा जो कभी शायद बहुत बड़ा पंडित भी नहीं बता देगा, जो आपकी जिंदगी का रास्ता बना देगा। वकील साहब का नाम भी मैं इसलिए बताता हूँ कि अब वो जीवित नहीं रहे हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं उनके पास इस प्रकार से बात बताता हूँ। क्या ये बात सही है कि 23 मई के बाद का प्लान आपका टीम अभी से बनाना शुरू कर दिया है? ऐसा आप इतने कॉन्फिडेंट कि आप जीत ही रहे हैं कि आगे का प्लान बन रहा है? पहली बात है, अगर मैं ये कहूँगा तो कल ये आप ये भी स्टोरी बना सकते हैं कि मोदी अहंकार से भरा हुआ है कि वो कह रहा है कि मैं 23 मई के बाद 100 दिन में ये करूँगा। ये न्यूज का प्रॉब्लम है क्योंकि वो TRP, क्योंकि अरुण पुरी फिर आपको रोटी कैसे खिलाएगा? तो आप लोग स्टोरी यही बनाओगे, आप लोग स्टोरी यही बनाओगे, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दें। लेकिन गवर्नमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। आज भी सरकार में जो बैठे हैं वो हमारे मैनिफेस्टो का स्टडी करते ही होंगे। हमने जो मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, सभी डिपार्टमेंट उसको देखते होंगे, वो अपना काम करते होंगे। मोदी जी, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। आपके विरोधी कहते हैं कि आप सवालों के जवाब नहीं देते, तमाम सवाल आपसे पूछे गए, काउंटर भी किए गए, हर सवाल का आपने जवाब दिया। आंतरिक सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था, राजनीति और निजी जिंदगी, आपका इतना करने के बाद भी, सोशल मीडिया देख लेना, अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा, नहीं तुम्हारा अच्छा था, ये होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधानमंत्री जी, ये होने वाला है। आप सोशल मीडिया पे बहुत लगातार नजर रखते हैं, देखता हूँ एकदम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।